तो अभी मैं ट्राई करने लगा हूँ। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस तरह ना कीजिएगा जो मैं करूँगा, क्योंकि इनमें चांस होता है। और मेरे पास है भी डायरेक्ट बोर्ड जिसके ज़रिए मैंने इसको चेक करना है पहले ही। ये देखें, बल्ब पहले ही फिक्स है, तो मैंने उसी की जगह पे इसे लगा के चेक करना है और इसमें क्या मसला है वो आपको। अच्छा व्यूअर, सबसे पहले एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी कोई चीज़ आप चेक करें उससे पहले तसल्ली से देखें कोई चीज़ लूज़ तो नहीं है, कोई इस तरह कोई सो मसला मसाइल तो नहीं है। इसमें सबसे छोटा जो मसला है वो आता है इसके, जब इसकी किट खोलते हैं ना उसके ऊपर एक छोटा सा पता नहीं क्या लगा होता है, तो उसके ना साथ अटैच होने की वजह से भी ना करंट नहीं आगे सप्लाई हो रहा होता, जिस वजह से फिर हमारा बल्ब नहीं चल रहा होता। तो अमूमन होता यही है, और दुकानदार के पास ले जाते हैं तो वो 100-150 रुपये ले लेते हैं, तो उससे हमने बचने के लिए हमने खुद ही सारा कुछ करना है। अब देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं पहले लगा के, अभी चलता है या नहीं चलता। जी चीज तू सुन, लो जी आते हो गया ऑन, ते थलो है गया बटन इंदा नहीं ऑन है, ए वाली लाइट है बटन ते ऐसा थला बटन इंदा कोई चक्कर ही नहीं। वैसे करना कि ये इन्हों खोल लांगे ला लांगे। लो जी अब हम इसे खोल के देखने लगे हैं, इसमें पहले देखें कि कोई चीज़ रिपेयरेबल तो नहीं है, अगर नहीं है तो फिर हम इसे खोल के ही देखेंगे कोई शॉर्ट सर्किट या कोई इस तरह कोई डैमेज वगैरह नहीं है। तो अब हम इसे खोलने जा रहे हैं कि भाई शायद अंदर कोई मसला हो, अगर ना कोई हुआ तो फिर हम दोबारा इसे बंद करके अच्छी तरह चेक कर लेंगे। अच्छा आपने ये चीज़ याद रखेंगे, 7 पॉइंट अटैच होने चाहिए, मसला तो यहीं पे एक मरतबा नज़र आ गया। चलिए इसे खोलते हैं। ये सिर्फ इतनी सी एलईडी है, इसके ज़रिए हम रोशनी मिलती है। अच्छा ये इसका अंदर वाला हिस्सा है, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं नज़र आ रहा। तो इस अगर मेरे पास सीरीज भी नहीं है जिसके ज़रिए हम चेक कर लें, तो मुझे लगता है हमारा मसला वही है जो मैंने सबसे पहले कहा कि इसका जो ये ऊपर वाला पॉइंट है पता नहीं से क्या कहते हैं, ये छोटा सा, तो इसी का मसला मुझे लग रहा है। लगाते हैं इसे वापस, इसे फिट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसकी अलाइनमेंट नहीं सही होती इंसान से, खास करके मेरे जैसे निकम्मे से। तो अब हम इसे भी फिट कर देते हैं। अच्छा ये याद रखना है जो ये साइड पॉइंट्स वाली है ना, ये जो नज़र आ रहे हैं मेरे उंगलियों के साथ लगे हुए अटैच, वो नीचे होनी चाहिए ताकि वो जो नीचे पॉइंट्स हैं उसके साथ अटैच हो सके। ये हमारी अभी भी एलईडी सही फिट नहीं आई थी, अब सही है। अब हम इसके ऊपर रखते हैं एलईडी फ्लैश। हो भी और ये हो गया फिट, अच्छी तरह से इसके साथ दबा दें। और ये देखिए अब हमने इसको फिक्स कर लिया अच्छी तरह, अब हम इसे ऐसे लगाते हैं। तो उम्मीद है कि ये चलना तो इसको चाहिए, बाकी कोई कंफर्म नहीं है, असल में ना फिक्स करके तसल्ली से ना कब देख रहे हैं, इंशाल्लाह भी चल जाएगा, वंडरफुल चल गया, मुबारक हो मुझे।